गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11, तो गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकती। या मैं अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ और मैं मोना मोना हसवा ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बात कर रही थी पर पीछे से गाना बज रहा था, इसलिए मैं उसका साउंड ऑफ कर दी, क्योंकि मेरी देवरानी बहुत साउंड में टीवी चला रही थी, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी और इसके वजह से कॉपीराइट भी आ जाता। तो मैं किचन में आ गई, किचन में दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी कर चुकी हूँ और क्या क्या करना बाकी है। तो बस यह रुक, पता नहीं क्यों रुक गया। तो मैं ये बैगन भाजा करने वाली हूँ दोनों बाप बेटा के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता बैगन भाजा। और ये कचकेला का भाजी करने वाली हूँ, तो हम लोग सिर्फ दो ही जन खाते हैं, बेटा ये नहीं खाता। किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। और ये सजना डाटा और बैगन आलू देकर सब्जी करने वाली हूँ। इसमें बरी भी डालूंगी, पर बरी तो पानी में नहीं डाल सकती, बरी तो तेल में फ्राई करना होता है। तो ये सब्जी करने वाली हूँ। अब पापड़ तो हो गई होगा और इसके अंदर मैं अंडा रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं है, फ्रिज छोटा है मेरा। और चावल भी जा के रख दी हूँ, अपने लिए चावल, उन लोगों के लिए रोटी। तो आज का मेरा सादा एंड सिंपल ही खाना होने वाला है। और सिंक मेरा पूरा साफ है, तो बस मैं लग गई हूँ अपने ड्यूटी में। और कढ़ाई बैठा दी हूँ और कढ़ाई में तेल डालने से पहले मैं कढ़ाई को अच्छा से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा होता, गंदा तो रहता ही है साबुन से मांजने के बाद, इसलिए पोंछ लेने से अच्छा होता है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना ये, आज मैं बड़ी डाल के सजना डाटा बनाने वाली हूँ। तो ये सब्जी तो मैं बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ। तो अंदर से अंदर में ही मैं लहसुन भी रखती हूँ, तो अंदर से लहसुन निकाल रही हूँ। और बरी का डब्बा, ये कलाई दल का बरी है, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो वहीं से लेके आ जाती हूँ। तो ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि सब्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा और दो ही जन हम लोग खाने वाले हैं। बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता है सजना डाटा, वो सिर्फ बैगन भाजा के साथ ही रोटी खाएगा और वो झमेला हो जाता है। हम लोग जिस दिन नॉनवेज बनता है उस दिन ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता खाने में, लेकिन जिस दिन वेज खाना होता है उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ करना पड़ता है। बस मैं बरी निकाली हूँ, ज़्यादा बरी नहीं डाल रही, चार पीस ही डाल रही हूँ। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं बरी इसमें इसमें फ्राई कर लेती हूँ। और बरी जब फ्राई हो जाएगा तब मैं पचफोरन देकर सब्जी करूँगी। सब्जी भी छौंक दी हूँ और बरी को उधर पानी में डाल दी हूँ ताकि वो फूल ले, क्योंकि पानी में बरी फूलेगा तो उधर सॉफ्ट हो जाएगा, इधर मेरा सब्जी भी भुजना हो गया हो जाएगा। तो फिर लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी में भिगा के मैं बरी को रख दी हूँ, ये कलाई दाल का बरी है। और हम लोग किसी भी चीज़ में बरी देकर खाना बनाते हैं, अच्छा लगता है, जैसे साग हो, ये डाटा का सब्जी हो, मच्छी हो, तो किसी भी चीज़ में बरी डाल देने के बस उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस मेरा इधर सब्जी हो रहा है और इधर और मैं अपना चावल बैठा देती हूँ, मेरा चावल भी हो जाएगा और सब ये दोनों चीज़ मतलब संग संग हो जाएगा तो खाना मेरा जल्दी बन जाएगा। आज थोड़ा सा ठंडा था तो मैं स्टॉल ओढ़ ली हूँ, अभी तो स्टॉल से ही काम चल जा रहा है। दिसंबर तो आधा पार ही होने वाला है लगभग, तो बस मैं अब जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक आप लोग करते नहीं हैं, लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज़ मेरी बहन एवं भाई लोग एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरा सब्जी इधर भुजना कंप्लीट हो गया था, तो मैं जो जितना पानी लगेगा उसमें पानी ऐड कर दी हूँ। और ये थर्सडे का ब्लॉग है, तो थर्सडे को हम लोग वेज ही खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। और निरामिष कभी कभी होता है, कभी कभी लहसुन प्याज डाल देते हैं। तो
तो आज का सब्जी में मैं लहसुन प्याज यूज़ किया, सिर्फ लहसुन का यूज़ किया। ये तो प्याज वाला सब्जी नहीं है, इसमें तो प्याज मैं नहीं डालती हूँ। ये सरसों पोस्तों देखकर भी बनता है ये सब्जी, सरसों पोस्तों में और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर मेरे हस्बैंड को सरसों पोस्तों वाला सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, बोलते हैं कि ये पोस्तों पेट गर्म कर देता है, ये सरसों और पोस्तों दोनों, इसलिए मैं नहीं डालती। मुझे तो बहुत पसंद है पर मैं उनके वजह से नहीं डाल पाती हूँ। और ये देखिए मेरा सब्जी कंप्लीट हो गया है, देखने में भी अच्छा ही कलर लग रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है। और इसका जो बरी था तो वो भी पूरा सॉफ्ट हो गया है। ये सिर्फ हम दोनों माँ बेटा, ये मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए ही ये सब्जी, देखिए बरी अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। और ये सब्जी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और टाटा का सब्जी तो ऐसे भी मतलब हर पेशेंट को भी खाना चाहिए और सभी को खाना चाहिए। डाटा मेरे यहाँ मतलब 12 महीना आते रहता है। तो बस मेरा सब्जी कंप्लीट हो गया था तो मैं उसे खाली कर दे रही हूँ, और खाली करके संग संग इसे माँच के हटा भी दूंगी, क्योंकि बर्तन सब रहता है सिंक में तो अच्छा नहीं लगता। और एक बर्तन एक एक बर्तन एक एक बर्तन करते करते बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, इसलिए मैं धो धो के फटाफट हटा देती हूँ। और इसके बाद मुझे अभी कचकेला का भाजी भी बनाना था, क्योंकि 2 दिन हो गया था कचकेला और ज़्यादा दिन रहता तो ख़राब हो जाता। तो ये सबका नंबर थर्सडे को ही आता है, वेज खाना का मतलब थर्सडे को हुआ, शनिवार को हुआ, मंगलवार को, ये सबका नंबर आ जाता है। तो कचकेला का रख देती तो वो भी ख़राब हो जाता, तो उसका भी भाजी आज बना दूंगी तो वो भी सध जाएगा। तो सभी हाउसवाइफ ऐसा ही करती है कि जो चीज़ अगर ख़राब होने वाला होता है तो उसे पहले बचाती है और उसके बाद में फिर और दूसरे चीज़ को। तो मैं बस इसमें क्या बोलती हूँ, काला जीरा और हरा मिर्च का फोरन दूंगी, और उसके बाद कचकेला को अच्छा से भून लूँगी। सिर्फ भाजी ही करूँगी और उसमें कोई मसाला ऐड नहीं करती, बस नमक हल्दी और एंड में थोड़ा सा गोलकी पाउडर ऐड कर देती हूँ, तो उससे ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और बस उनके लिए रोटी है मेरे लिए चावल, खाना तो बस यही आज का सिंपल साधारण सा खाना है। और यहाँ पे मैं माथे पे स्टॉल रख के थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मैं बहुत सारी अपने बहनों को देखती हूँ जो सर पे दुपट्टा रख के काम करती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे से होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि साड़ी पहन के खाना बनाना है, माथा पे कपड़ा रख के खाना बनाना है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी। तो ये तो स्टॉल है, ये माथा से हट नहीं रहता, फिसल नहीं रहता, फिर भी परेशानी हो रही थी क्योंकि इधर से मैं सब्जी जब भून रही थी तो फिर मेरा हाथ उधर फंस रहा था, हाथ फ्री नहीं लग रहा था। पता नहीं कैसे मेरी बहन, बहुत सारी बहाने हैं, मैं बहुत लोगों की वीडियो देखती हूँ तो बहुत आराम से कर लेती है और उनका हाथ नहीं फंसता होगा, पता नहीं हाथ फंसता है कि नहीं फंसता, पर मेरा तो हाथ फंस रहा था। बार बार मैं उस साइड से उठा ले रही थी, कभी कभी इस साइड से भी उठा लेती थी कि मेरा हाथ फ्री रहे तो मैं काम आराम से कर लूँ। वैसे भी मेरे पतिदेव बोले हैं कि आपको वीडियो बनाना है बनाइए यूट्यूब पर, लेकिन दुपट्टा या ओढ़ना रख के ही बनाइए, सर पे नहीं रखना है लेकिन रखना है। तो फिर मेरा इधर हाथ फंस रहा था, फिर मैं वैसे ओढ़ना को मतलब स्टॉल को वैसे कर ली, तो मेरा थोड़ा सा हाथ फ्री हो गया। तो बस ये मैं ये ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। तो बस ये थोड़ा सा वीडियो मेरा थोड़ा सा फनी हो गया है, तो कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे कोशिश कर। मेरे मम्मी लोग बोलती थी कि खाना मतलब जो खाना बनाता है माथा पे कपड़ा रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है खाने में, तो खाना जब भी बनाना चाहिए तो सर पे कपड़ा रख के ही बनाना चाहिए, पर मैं उतना नियम पालन नहीं मेरे से हो पाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ सभी को तो मैं वैसे ही अपना काम सलटा लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सर पे रखूँ पर रख नहीं पाती। और आज हम लोगों को शाम को एक जगह इनविटेशन में भी जाना था, तो इसलिए अगर हम लोगों को किसी दिन रात को रिच खाना हो जाता है, कहीं भोज बाड़ी में जाते हैं, शादी बाड़ी में जाते हैं, तो दोपहर में हल्का ही खाना बनाते हैं ताकि पेट हल्का रहे, स्वस्थ रहे। पेट को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, डेली डेली रिच खाना ज़रूरी नहीं होता है। तो रात का इनविटेशन था इसलिए मैं अभी दोपहर में हल्का ही खाना बनाई और ठीक मैं माथे पे कपड़ा रख के खाना बना पा रही हूँ, ये तो मैं हो मेरे से हो ही पा रहा है। और मैं एक चॉपिंग बोर्ड ख़रीद के लाई हूँ पर वो चॉपिंग बोर्ड मुझे पसंद नहीं आता, बार बार मैं यही अपना मेरा फेवरेट है यही चॉपिंग बोर्ड, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो मैं उधर भी अपना काम कर रही हूँ, इधर मेरा
के कछेले का भाजी हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम्ही तो नहीं लिया हेलमेट, लेना भूल गया। बेटा के साथ जा रहे हैं भोज खाने के लिए, ये निमंत्रण है एक जगह गृह प्रवेश का, मंच पे जा रहे हैं हम लोग। गली में है, बाइक उधर खड़ी है, बाइक खड़ी है। देखिए हम लोग आ गए हैं, ये बेटा हम लोग प्रसाद खा रहे थे गृह प्रवेश का। आइए, मैं बालकनी उसे दिखा रही थी। ये मेरी ननद का घर है और ये एकदम गंगा के किनारे बसा हुआ, अगर दोपहर आता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। देख, ये लोग जा रहे हैं, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था तो ये लोग अब जा रहे हैं नीचे, और इसके बाद मैं छत पर भी जाऊँगी। तो ये प्रसाद खा रहा है और मैं भी प्रसाद खा चुकी हूँ, तो बस अब छत पर चलते हैं। देखिए अभी हम लोग छत पे आ गए हैं। आइए, मेरी देवरानी है। हाय नीलू, हाय कर दीजिए। हेलो, दिखेगी तो नहीं, वो बोले हैं कि इन लोगों का उनका। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो ये रास्ते में एक मंदिर आता है, तो ये हमेशा ऐसे ही सजा हुआ रहता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस मंदिर कभी अंदर कभी गए नहीं हूँ, कभी बोलूंगी अपने पति देव को घुमाने के लिए, मुझे ले चलिए। अब मैं आ गई हूँ अपने घर, ऊपर और अब बज रहा है भाई 10। अभी मैं घर आ गई हूँ, उधर वो बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आ गए हैं और मेरे पति देव अभी नहीं आए हैं, वो दुकान में ही है। तो मैं और बेटा दोनों गए थे निमंत्रण में, गृह प्रवेश का था निमंत्रण, तो मैं और बेटा गए थे और वहाँ से आ गए हैं, उनका भी खाना लेके आ गए हैं पार्सल। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे शेष कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नहीं, और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं। गुड नाइट सभी को, और प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी फुल सपोर्ट दूंगी। और गुड नाइट, बाय बाय।